अफगानिस्तान से किताबें मंगाई, इधर से मंगाई, उधर से मंगाई। खुदा का वर्णन तो है लेकिन खुदा की अनुभूति का कोई प्रत्यक्ष अनुभूति हो ऐसा कोई मार्ग नहीं मिलता। जो कुछ वाक्य जगते थे वो लिखते थे, संकलन करना, एक पुस्तक बनाने के लिए तैयारी कर रहे थे। अपने बड़े विशाल स्विमिंग पूल के आगे बैठकर सर्दियों की धूप खाते खाते लिख रहे थे। स्याही खुद गई, गए स्याही लेने को। एक परम प्रेमास्पद को पाए हुए महापुरुष आए, क्योंकि मौलाना जलालुद्दीन की ख्वाहिश थी कोई मिल जाए फकीर, कोई मिल जाए, मिल जाए आत्मरामी महापुरुष। उसके शुभ संकल्प ने समस्त देश को पहुंचाया। समस्त देश ने क्या करा, वो जो हस्तलिखित प्रतियां थी उठाकर तलाव में डाल दी, स्विमिंग पूल में डाल दी। जलालुद्दीन आया, पूछा कि तुम कौन हो, ये मेरी सारी प्रतियां कहां गई। भवों के इशारे से बता कि वो पानी में पड़ी है। तब तो जलालुद्दीन रोमी कुपित हुए कि तुमने क्या करा, मेरी वर्षों की कमाई, जीवन भर की कमाई तुमने मिट्टी में मिला दी, पानी में डुबा दी। तुम क्या हो, कौन हो, कैसे आदमी हो। वो महापुरुष मुस्कुराए कि तुम्हारे जीवन भर की यही कमाई है, मैं लाए देता हूँ। जंप मारा पानी में, योग शक्ति का अनुसंधान किया, परते उठाकर दर्दी हाथ में। जलालुद्दीन देखकर दंग रह गया कि महाराज का तो शरीर भीग गया लेकिन ये हस्तलिखित लिपियां जो कि तुम सुखी। जिस पुरुष की खोज थी वही पुरुष मिले, चरणों में गिरे, उपदेश दीजिए। तब समस्त देश ने कहा, न बन मुल्ला न बन काजी, न रख रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। न जा मक्के न जा काशी, न पढ़ कलमा न बन पंडित, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। तस्बीह तोड़ किताबें फेंक पानी में, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। मेरे गुरु की कृपा अहंकार विलय हुआ और वास्तविक मैं में स्थिति हुई। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का अनुवाद किया माधव तीर्थ महाराज ने। मौलाना जलालुद्दीन कहते कि 50 वर्ष की निष्कपट भक्ति से भी दो क्षण साधु का संग ज्यादा हितकारी। 50 वर्ष से तुम कर्म करते हो लेकिन कर्म का कर्ता बने रहते हो, शुभ अशुभ का कर्ता बनते रहते हो। अगर शुभ अशुभ नहीं करते हो तो आलसी बन जाते हो, लेकिन मैं आलसी हूँ ये मैं भी बना रहता है। मैं आलसी नहीं, मैं कर्मठ हूँ ये भी मैं है। मैं अपना रूप बदलता है, रंग बदलता है, लेकिन मैं अपने आप को पूरा ईश्वर में नहीं मिला पाता है। महल की छत पर टप 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 आवाज आया। मिल्क का सम्राट कहता है कि कौन नादान सम्राट के महल पर घूम रहा है इस मध्य रात्रि को। गैबी आवाज आया कि मैं हूँ, कौन तू है, मुझ जैसे मिल्क के सम्राट इब्राहिम की छत पर तू कौन पैक घुस गया, कौन है, क्या कर रहा है। छत पर ऊंट खोज रहा हूँ, ऊंट खोज रहा है मेरी छत पर, ऊंट खोज रहा है, पागल है तू। सम्राट की छत पर ऊंट मिल सकता है। वे भी आवाज ने कहा, जब ललनाओं के हाड़ मास चाटने चूसने में सुख मिल सकता है, तख्त पर बैठकर मैं बड़ा राजा हूं अहंकार सजाने में सुख टिक सकता है, तो छत पर ऊंट भी तो टिक सकता है। लग गया वचन, खोजो कोई गैबी आदमी है। फकीर तो चल दिए थे, दिन भर राजकाज हो रहा है। अहंकार सजाने से अगर सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। हाड़ मांस चाटने चूसने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट टिक सकता है। इस भोग वासना में समय बर्बाद करने से सुख टिक सकता है तो छत पे ऊंट भी टिक सकता है। वो उनका मानसिक रिपीटेशन उनके दिल दिमाग को झकझोर रहा था। इतने में दोपहर का समय हुआ, एक फकीर आकर टांग पे टांग चढ़ा के सामने बैठ गया। मिल्क के सम्राट ने कहा, महाराज ये कोई सराया नहीं, राज दरबार है, ठीक से बैठो फकीर। फकीर ने कहा, तेरे पहले कौन था। बोले, दूसरा कोई राजा था। उसके पहले बोले और था।
उसके पहले बोले और फलाना राजा था, उसके पहले बोले इतिहास के मुताबिक फलाना था, तो तुम सदा रहोगे? बोले नहीं, हम जाएंगे तो या तो मेरा बेटा बैठेगा या तो और कोई आएगा। बोले वो सदा रहेगा? बोले वो भी जाएगा। तो बोले जो आ कर गए हैं और जो बैठे वो भी जाने वाले हैं, जो आके बैठेंगे वो भी जाने वाले, तो सराया किसको कहते हैं? मतलब मीनिंग सराया, मतलब मीनिंग मोटल, होटल। बोले महाराज जब ये मोटल है, सराया है, तो आप ही बैठिए, संभालिए, मैं जाता हूँ भारत के किसी महापुरुषों के चरणों में, अहंकार विलय करके सत्य को खोजूंगा। भारत आया, संन्यास लिया, सोचा कि दान का माल देने वाला तो दान करके अपना मना लेता, लेकिन लेने वाला बंधन में आ जाता है। लेने वाला क्यों है? मैं तो लकड़ियां काटूंगा, भारी बेचूंगा, अपनी कमाई करके खाऊंगा, मजे से डकार दूंगा। लकड़ियां करता, खजूर और रोटी खाता, दीर्घ का सम्राट, अपनी कमाई, पसीने की कमाई, लेकिन अभी तक परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई। पहले सम्राट था, अभी सन्यासी है, पहले राज्य का खाता, लोगों का खाता, अभी अपना खाता, लेकिन है खाने वाला मौजूद। कसर से खाता हूं और बचता है तो महीने में अमावस्या या पूनम के दिन भंडारा कर देता हूं। पहले राज करता था, अभी भंडारा कर रहा है, कर तो जरूर रहा है। अहंकारी कुछ नहीं करते हुए भी सब कुछ कर रहा है, और निराहंकारी ब्रह्म रहता सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। कृष्ण सब कुछ करते हुए कुछ नहीं करते हैं, सब कुछ भोगते कुछ नहीं भोगते हैं, और कंस इतना नहीं भोगता फिर भी सब कुछ भोग रहा है। देखो मैं माना बस फंसे, मिथ्या अहंकार में जुड़े तो मुसीबतों के बस परिवार आएगा। अहंकार की दृष्टि संकीर्ण होती है, आत्म अज्ञान से शुद्ध अहंकार पनपता है, और आत्म ज्ञान से शुद्ध मैं की मुलाकात होती। अभी तक हृदय में तृप्ति नहीं हुई, पूर्णता का अनुभव नहीं हुआ, कई उपासनाएं की, कई पापड़ बेले, आखिर देखा कि बिना पहुंचे हुए सदगुरु के कोई मार्ग नहीं है। खोदते खोदते एकांत शांत में रहने वाले एक ब्रह्मवेत्ता महापुरुष के पास गए। बोले महाराज, मैं बिल्ख का सम्राट था, अभी मैं सन्यासी हो गया। अभी मुझे यह है कि मैं अपना हक का खाता हूं, ये अहंकार अभी तक नहीं गया। सुना है कि हमारे और खुदा के बीच अहंकार ही तो दीवाल है।